हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर एक अमेजिंग और क्रिस्पी रेसिपी लेकर के आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। बनाना तो थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि हम बना ना सके। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल चावल लेना है। चावल बासमती होनी चाहिए। जितना आप चावल ले रहे हैं उसके बराबर या उससे डबल आपको नारियल लेना है। सूखा नारियल लें, जिसे कद्दूकस कर लें। चावल को दो तीन बार धो लें। धो करके इसमें नारियल को मिला देना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस बराबर पानी डाल दें और 3-4 घंटा इसे भिगो करके रख दें। जब तक के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। 3-4 घंटे तो हो चुके हैं और यह चावल और नारियल खूब बढ़िया से फूल चुका है। तो अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अगर पानी ज़्यादा लगे तो इसे निकाल लें, बाद में अगर कम लगे तो डाल करके इसे ग्राइंड कर लें। तो ये ग्राइंड हो चुका है। अब इसमें 1 टेबल स्पून दही मिला लें। चीनी और नमक बाद में मिला सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो अभी मिला करके फिर एक बार ग्राइंड कर लें। 1 टीस्पून चीनी और नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल करके मिलाएं। अब इसे 6 घंटे के लिए फॉर्मेट होने के लिए छोड़ दें। 6 घंटे हो चुके हैं, तो चलते हैं इसे बनाने। इसे बनाने के लिए पैन में 1 टीस्पून तेल लगा करके चारों तरफ मिला लें। इसमें 1 कलछुल पेस्ट को डालें और चारों तरफ से इसे फैला दें। अब ऊपर से 1 टीस्पून फिर तेल डालें। इसे मीडियम फ्लेम पर ब्राउन होने तक सिकने दें। गाइस, इसे कढ़ाई में ही बनाया जाता है, लेकिन मैं कढ़ाई में नहीं बना रही हूँ। मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा चिपकता है, इसलिए मैं इसे फ्राइंग पैन में ही बना रही हूँ। तो आप अगर फ्राइंग पैन में बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये क्रिस्पी बनता है और आप इसे किसी भी चटनी या सॉस के साथ ले सकते हैं, और इसे आप नाश्ता में भी बना करके ले सकते हैं। तो इसी स्टेप से सारे पेस्ट का बना लेना है। और गाइस, ये रेसिपी आपको कैसा लगा और आपने बनाया तो कैसा बना, ज़रूर कमेंट करें। तो मैं इसे तोड़ कर दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। तो गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।